नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल ऑपरेटर विथ हेल्पर में। मेरा नाम है राजवीर और आप देख रहे हैं ऑपरेटर भाइयों का अपना चैनल ऑपरेटर विथ हेल्पर। दोस्तों, अगर आपके में भी ऐसा सर्विस का कोड आ रहा है B3009-68, इसका मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि सर्विस का टाइम हो गया, सर्विसिंग के लिए बताता है, बेसिक चीज़ है। लेकिन ये आता है तो कभी कभी आपको बहुत परेशान करता है, जैसे आवाज़ आती है, एक ब्लिंक आवाज़ कंटिन्यू चलती रहती है जिससे ऑपरेटर को बहुत डिस्टर्ब होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सर्विस मशीन का करा भी देते हैं फिर भी ये कोड हम हटाए नहीं रहते हैं, तो बार बार ये आता रहता है। तो इसको हम कैसे हटाएंगे, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि सर्विस आया है क्या, मतलब सर्विस का टाइम बता रहा है क्या। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल पर आप 3 डॉट वाले ये निशान वाले को क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें लाइट जल जाएगी और आप यहाँ देखेंगे यहाँ मशीन का आइकॉन आ जाएगा। मशीन का आइकॉन आने के बाद ये जो गोल वाला बटन है इसको एक बार घुमाएंगे। एक बार घुमाने के बाद आप देखेंगे यहाँ आई आ गया है। इस पर गोल वाले बटन को दोबारा इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पे आवर आ जाएगा और यहाँ पे देखेंगे 0 आवर। हर बार ये 500 आवर पे होता है, ठीक है। अभी 0 आवर हो गया, मतलब सर्विस का टाइम आ गया। सर्विस का 0 आवर का टाइम है, मतलब आप सर्विस का टाइम आ गया, इसे अपडेट करने के बोल रहा है। अपडेट करने के लिए आप इसको क्या करेंगे, बैक आ जाएंगे, फिर इस पर गोल वाले बटन को होल्ड करके रखेंगे कम से कम 30-40 सेकेंड तक। तो इसको दबा के रखते हैं। तो आप देखेंगे ये हमारा रीसेट हो चुका है, 500 आवर आ गया, फिर से 499 आवर, और ये हमारा रीसेट हो गया है। इसको बैक आने के लिए हम फिर इसको बैक पे आएंगे। बैक आने के बाद फिर होम बटन को क्लिक कर देंगे। होम बटन क्लिक कर देंगे तो आप देखिए हमारा डिस्प्ले बिल्कुल सादा हो गया। और एक बार इसको बंद करके चालू करके देख लेते हैं, तो हम चाबी स्विच को काट देता हूँ और आप देखिए कि हमारा डिस्प्ले अब चला जाएगा। चाबी स्विच बंद है, अभी डिस्प्ले बंद हो गया। अब मशीन को स्टार्ट करने के लिए अपना हाइड्रोलिक लीवर को थोड़ा उठा लेते हैं, उसके बाद फिर स्विच ऑन करेंगे क्राउन। अब देखिए डिस्प्ले में लाइट आ गई, अब मशीन को स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए हमारा मशीन में डिस्प्ले आ गया, लेकिन जो सर्विस वाला जो ब्लिंक हो रहा था वो अब नहीं आ रहा है। तो इस तरह आप उसको हटा सकते हैं। जो 0 आ रहा था उसको चेक करके दोबारा दिखा दे रहा हूँ। इसको क्लिक करेंगे, मशीन आएगा, एक राउंड घुमाने के बाद आई आ जाएगा, फिर बीच वाले को क्लिक करेंगे और आप देखिए 499 आवर हो गया। तो दोस्तों इस तरह आप बहुत आसानी से कर सकते हैं सही। अब इसको होम पे आ जाते हैं। अब हमारा मशीन बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है, अब वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा लगभग 500 घंटे तक। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए ऐसे ऐसे हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद।